नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम गौतम डेटा हाउस सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज हम बात करेंगे इस सॉफ्टवेयर में कि किस तरह से हम एक बाइक शोरूम में सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से इजी तरीके से उनके आरटीओ कॉपी, सेल सर्टिफिकेट, बिल और स्टॉक, कैश बुक, लेजर बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यह एक इस तरह से विंडो दिखती है। आप यहां से क्रिएट कंपनी करके नई कंपनी बना सकते हैं। प्रीवियस कैसे कंपनी बनाना है और कैसे नई कंपनी क्रिएट करना है हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहां पे हमारे कुछ ऑप्शन हैं जैसे बैकअप माय डेटा, चेंज फाइनेंशियल ईयर। ये बैकअप माय डेटा आप अगर आप करना चाहते हो तो इसे कर सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर हमारा बैकअप ऑटोमेटिक लेता है। अब चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स की और वर्किंग की। इसमें हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही यह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के पहले ही ये सॉफ्टवेयर बैकअप लेता है और बैकअप आपका कॉपी करके एक नई लोकेशन पे सेव कर देता है। वह बैकअप आप ईमेल में भी भेज सकते हैं, पेन ड्राइव पे कॉपी कर सकते हैं, अलग अलग उसको लोकेशन में कॉपी करके रख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा पूरा 100% सिक्योर है, मगर फिर भी अगर आपको कहीं दूसरी जगह इंस्टॉल करना है या कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर का लॉगिन आता है, इस पे आप अपने यूजर राइट्स के हिसाब से अलग अलग यूजर नेम बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि हम ऑपरेटर अगर बैठे कोई तो वो सिर्फ लिमिटेड वर्क कर सके, बिल बना सके या कि परचेज की एंट्री चढ़ा सके, बाकी आपके प्रॉफिट या कि बैलेंस या कि पेमेंट्स की एंट्रियाँ वगैरह ना चेंज कर सके, रिसीव एंट्रियाँ चेंज ना कर सके, डेटा कहीं ना ले जा सके, तो उस तरह की इसमें फैसिलिटीज़ हैं कि आप उनको लॉक कर सकते हैं। लॉग इन करते ही बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 होता है, आपने 1 लॉग इन किया, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम के नाम बनाते हैं। आइटम का नाम बनाने के लिए हम आइटम के मेनू में क्लिक करेंगे। आइटम के मेनू में क्लिक करते हैं तो आइटम लिस्ट इस तरह से बनाई होती है, अगर आपने पहले तो खुल जाती है। अगर आपको नया आइटम बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद आइटम का हम नाम लिखेंगे, जैसे कि आपने लिखा रिंग। रिंग लिखने के बाद आपने उसका अगर कुछ पार्ट नंबर या डिजाइन नंबर है तो वो आपने इसी के आगे डैश करके लिख दिया कि ये नंबर है, और उसके बाद उसका शॉर्ट नेम में भी आप उसको नंबर डाल सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप 6564 लिखेंगे तो भी आइटम आपका सर्च हो जाएगा, और रिंग लिखेंगे तब भी आइटम सर्च हो सकता है। इसके अलावा इसमें HSN कोड अगर है उसका तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। GST जितने परसेंट उस आइटम पे लग रही है, जैसे कि अभी 28% लग रही है तो 28% लगा दीजिए, इंटर करिए। यहाँ पे उस कौन सी कंपनी का वो आइटम है वो डाल सकते हैं आप, कि जनरल कंपनी है या हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड का आइटम है, तो अभी हमने जनरल में डाल दिया। यहाँ पे वो स्पेयर पार्ट्स है या कि गियर है या लेस स्कूटर लेस है या कैस किस तरह का आइटम है वो हमने सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए वो स्पेयर पार्ट्स है। और यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं कि वो कितने CC का है, अगर बाइक होगी तो हम CC वगैरह डालेंगे, बाइक नहीं है तो नॉर्मली कुछ नहीं डालेंगे। 30 सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे वहाँ उसका सेल प्राइस क्या है, जैसे ये 80 रुपीज़ में सेल होता है, MRP भी इसकी 90 या 100 रुपीज़ MRP है। यहाँ पे सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन फीड करके और हमने सेव कर दिया। हालांकि आइटम की लिस्ट आपको हमारे पास हीरो होंडा शोरूम्स के आइटम की लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आइटम के नाम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आइटम की लिस्ट आपको रेडी मिल जाएगी विथ प्राइस लिस्ट के साथ, ठीक है। और आप उनके प्राइस वगैरह जब मर्जी आए आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आइटम का भी आपको सर्च करना पड़ता है कि हम इतनी बड़ी लिस्ट है हम कैसे सर्च करेंगे, सॉफ्टवेयर तो बड़ा कठिन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप परसेंटेज टाइप करिए, परसेंटेज के बाद आपको लिखना है गैस किट, गैस लिखा आपने और उसके बाद किट लिखा, तो जितने भी ओके किया आपने तो जितने भी गैस किट होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने बीच में भी कुछ भी लिख दिया तो भी आइटम सर्च हो जाना है, नाम लिख दिया तो आइटम सर्च हो जाना है, सेल प्राइस लिखा तो आइटम सर्च हो जाना है। अब इस लिस्ट को आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। आइटम लिस्ट के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि अकाउंट।
अकाउंट का मेनू होता है, यहाँ पे हम अपने कस्टमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इस पे हमने कुछ और अच्छे फीचर्स भी रखे हैं, जैसे कि आप अपने सारे कस्टमर, जो जो आपके कस्टमर हैं उनको आप उनके विशेज कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल पे आप उनको SMS कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, अपने कस्टमर सेलेक्ट किया और सेंड SMS में आपने हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, कुछ भी आपका जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपने लिखा और सेंड SMS में क्लिक कर दिया, तो उनके पास वो SMS चला जाएगा। ये SMS आपको बल्क SMS होते हैं और ये आपको परचेज करने पड़ते हैं। दूसरा होता है कि आपने लिस्ट भी एक्सेल में अगर एक्सपोर्ट करनी हो तो यहीं से एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है सॉफ्टवेयर लगने से पहले, तो उसको लिस्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके बर्थडे वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और इन सब के लिए अगर मान लीजिए किसी का नाम आपको नहीं सर्च हो रहा, तो यहाँ भी उसी तरह है कि सिंपल परसेंटेज टाइप करिए और मान लीजिए आपको द्विवेदी सर्च करना है तो DWID लिखा, इतना लिखा और ओके किया, तो आपको पूरे जितने भी द्विवेदी हैं या कि बीच में कुछ भी वर्ड है तो सर्च हो के आ जाता है। और हम सिटी वाइज, एरिया वाइज, अलग अलग ग्रुप वाइज, मोबाइल नंबर वाइज, कॉन्टेक्ट पर्सन के साथ हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारा ये एड्रेस बुक बहुत अच्छी है, ईजी है। इसमें हमने एक और फीचर रखा है लेवल का। इस लेवल के थ्रू क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फेस्टिवल या कि कुछ आप इनविटेशन उनको भेजना चाहते हैं, तो स्टिकर के साथ वो प्रिंट भी हो जाते हैं। मतलब आप कोई उनके लिफाफे के ऊपर उनका स्टिकर चिपका के उनको कुरियर कर दीजिए, या कि कोई आपको ग्रीटिंग्स भेजनी है तो आप उनको भेज सकते हैं। ओके सर, अब आते हैं बिलिंग पे। बिलिंग से पहले हम पहले समझेंगे कि हम स्टॉक कैसे एंट्री करें, अगर बाइक का है तो कैसे एंट्री करें, स्पेयर पार्ट्स है तो कैसे एंट्री करें। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं परचेज के मेनू पे। परचेज में न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर एंटर करते हो तो भी खुल जाते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन भी रखे हैं, जैसे Ctrl+P, Ctrl+S, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ अगर पी दबाते हो तो भी परचेज आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन आता है, डेट अगर आपकी पुरानी डेट है तो पुरानी डेट की अगर परचेज है तो उसको डाल के आप चेंज करके और यहाँ पे चेंज परचेज चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको करंट डेट पे ही करनी है तो करंट रखिए। अब आपको परचेज कैश आई है या क्रेडिट आई है। अब क्रेडिट होता है मतलब उधारी में, अगर माल आपको उधारी में आता है तो क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और अगर कैश पे आता है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्रेडिट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद आपको पार्टियों के नाम आ जाते हैं कि हर्ष मोटर पार्ट्स, हर्ष कटनी, तो आपने यहाँ पे हर्ष मोटर्स सेलेक्ट कर लिया जिस नाम से है और इंटर कर दिया आपने। इंटर करते ही वहाँ पे आपको जितना उनका बैलेंस है, अगर उनका पेमेंट बाकी है तो वो आपको दिखा देता है। इस पे यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि अगर आपने किसी कस्टमर या किसी सप्लायर का GST नंबर नहीं डाला है तो आप यहाँ पे GST नंबर डाल सकते हैं, और एक बार आपने फीड कर दिया तो फिर आपको ये मैसेज नहीं आनी है सर। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे अभी हमने पुराना अकाउंट एडिट किया, यहाँ पे अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहीं पे आप प्लस के निशान पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F3 बटन दबाइए। अगर नया बनाना हो तो प्लस के निशान पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F3 बटन दबा सकते हैं। यहाँ पे प्लस के निशान में मैंने क्लिक किया। अभी प्लस के निशान में क्लिक करते ही यहाँ पे अकाउंट नेम के लिए विंडो आ जाती है, आप अकाउंट नेम भर दीजिए इस पे। जैसे मैंने भरा अभी राजेश ऑटो पार्ट्स कटनी, इंटर किया, इंटर। यहाँ पे ग्रुप इसका क्या है, सप्लायर है, क्या है वो डाल दिया हमने। एड्रेस कौन सा है, एड्रेस डाल दिया। सिटी डालना है हमें कि कौन सी सिटी का है, हमने सिटी भर दी, इंटर। उसका स्टेट क्या है, आपने M टाइप किया तो अपने आप वो उसका अगर पहले से फीड है तो आ जाती हैं। 2-3 अपने यहाँ का MP का स्टेट कोड होता है, बाकी सभी जगह का जो टिन नंबर और GST नंबर, जो GST नंबर है उसके आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, तो वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और ये सारी फील्ड ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं फिल करते हैं तो आपको ये आपको एंट्री नहीं करने देगा। आप जो चाहो फील्ड एंट्री करो, जो चाहो फील्ड एंट्री ना करो, ठीक है। बट GST नंबर और पार्टी नंबर मैंडेटरी फील्ड होती हैं। अगर GST नंबर नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आपको परचेज नहीं चढ़ाने देगा, मगर GST के हिसाब से जिनका GST नंबर नहीं है वो B2C में जाते हैं और जिनके पास GST नंबर है वो B2B में जाते हैं। मतलब कि हमें GST नंबर की परचेज अलग रखनी है और बिना GST नंबर वालों की परचेज अलग रखनी होती है। और हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमने पार्टी के नाम आने लगा, हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमने लोकल B2B परचेज सेलेक्ट की, इंटर इंटर।
इंटर करने के बाद परचेज के बिल की डेट अगर हमें डालनी है तो वो डाल सकते हैं इंटर। फिर यहाँ पे आते हैं आइटम नेम पे, अगर हमने SF लिखा HF डिलेक्स तो यहाँ पे हमें लिस्ट खुल गई। यहाँ पे HF डिलेक्स लिखते हैं या बीच का कुछ भी लिख दें तो भी आइटम आ जाता है। HF डिलेक्स लिखा आपने, इंटर किया आपने, इंटर करते ही आपको ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी में आप कितनी क्वांटिटी डालना चाहते हो, मान लीजिए आपने दो या एक HF डिलेक्स परचेज की तो वन डालेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते ही चेचिस नंबर पूछेगा, आप चेचिस नंबर इंटर कर सकते हैं, जो भी आपका चेचिस नंबर है गाड़ी का को बिल में आया है उसका इंजन नंबर क्या है वो आप इंटर कर दीजिए, उसका बैटरी नंबर क्या है वो डाल दीजिए इंटर, की नंबर क्या है वो भर फुलफिल कर दीजिए इसमें, मॉडल नंबर अगर लिखना है इस पर तो मॉडल नंबर डाल दीजिए कि डिलक्स, जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई एडिशनल फील्ड और लगानी है इस पर तो हम लगा भी सकते हैं, बुक नंबर आपने डाल दिया, वेरिएंट डाल दिया आपने और कलर डाल दिया, इंटर कर दिया आपने, इंटर करते ही ये नीचे आ जाता है। फिर आप इंटर करते हो, इंटर करने के बाद ऐप को एक बार और वेरिफिकेशन के लिए बोलता है कि आपने जो एंट्री किया वो सही है या नहीं है, देन इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे हम प्राइस डालेंगे कि हमें यह बाइक कितने की पड़ी है, हमें यह बाइक फॉर एग्जांपल 60,000 बेसिक वैल्यू है, जैसे हमने 60,000 डाला यहाँ पे तो अपने आप उस पर 28% जोड़कर यह इसने 16800 यानी 76,800 कर दिया, यहाँ पे ये आइटम इंटर हो जाता है। इसी तरह हम बाकी के आइटम भी इंटर कर लेंगे और उसको सेव कर देंगे। अब ये तो रही बाइक के लिए बात, अब मान लीजिए ये स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है तो उसमें तो चेचिस नंबर तो होते नहीं है, तो आप पूछोगे कि चेचिस नंबर नहीं है तो हम कैसे चढ़ाएं, तो ये स्पेयर पार्ट्स में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इंटर करते हो और आइटम का नाम बनाते हो तो वहाँ ही एक मैसेज आता है कि आपको इस पे इस सीरियल नंबर मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं। आपने यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा, इंटर किया, इंटर 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 इंटर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये स्पेयर पार्ट्स लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्यों नहीं पूछता है। आपने ये पेन की बटन पर क्लिक करते हैं अगर तो ये आइटम वापस खुल भी जाता है, इसका शॉर्टकट होता है F1। आपने यहाँ पे देखिए दिस आइटम रिक्वायर्ड सीरियल नंबर में टिक नहीं लगाया इसलिए नहीं पूछता है सर, अपडेट कर देते हैं इसको। आपने इंटर किया, क्वांटिटी डालेंगे, एक क्वांटिटी है या दो क्वांटिटी जितने पीस हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल ये 50 पीस आए, 50 पीस डाला आपने यहाँ पे। अभी करंट स्टॉक भी दिखाता है कि आपके पास यहाँ पे देखिए स्टॉक अभी कितना है परचेज चढ़ाते समय। अब मान लीजिए आपके पास ये 50 पीस आ गए हैं, उनका रेट है 450, तो 450 डाल दिया, उस पर जितना टैक्स होगा वो जोड़ लेगा, इंटर करेंगे, इंटर। यहाँ पे 18% टैक्स इस स्पेयर पार्ट्स पे लग रहा है तो 18% आ गया। इसी तरह बाकी के आइटम जोड़ना जोड़ दीजिए, मगर कभी कभी बिल में नीचे कुछ चार्जेज या भाड़ा या कि अलग अलग चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो आप चार्जेस के मेनू पे जाइए और यहाँ पे फ्रेट या फॉरवर्डिंग चार्ज अगर ये जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा, डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर गाड़ी का व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी या बिल्टी नंबर या नरेशन कुछ लिखना है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नहीं लिखना तो आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव का शॉर्टकट होता है Alt+S। हमने यहाँ पे शॉर्टकट बनाने का मेथड बहुत सिंपल है, जिसके नीचे जो लाइन खींची होती है जैसे Alt+N के नीचे लाइन खींची हुई है तो इसका Alt+N अगर हम प्रेस करेंगे तो अपने आप यही खुलेगा, ठीक है। अब हम समझ चुके होंगे कि परचेज कैसे चाहिए हमने। अब अगर हम परचेज में क्लिक करें तो हमने आज की जो जो परचेज हैं वो दिख जाएंगी। इसी में अगर आपसे कोई गलती हो गई या कि आपने कहीं कुछ गलत इंटर कर दिया है तो डबल क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो कि हमें इसमें ये आइटम नहीं इंटर करना था या कि हमें कुछ इसमें अलग चीज़ें चेंज करनी थी या कि हमें इसमें डिस्काउंट सेट करना था, तो जो भी आप करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। अगर इसकी कोई रिसीविंग करना है तो यहाँ पे अटैचमेंट में जाके आप कुछ अटैच भी कर सकते हो, मान लीजिए आपने कुछ बिल्टी की कॉपी चाहते हो कि हम स्कैन करके इसी कंप्यूटर में सेव कर दें, जैसे कि हम ईमेल में अपने अटैच कर लेते हैं तो आप ऐड कर सकते हो कुछ फोटो या डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आप जो चाहते हो वो आप इसमें अटैच करके और इसमें आप लगा सकते हो, मान लीजिए कोई लेटर है या डॉक्यूमेंट्स है तो आपने अटैच कर दिया और ओके कर दिया, तो ये आप जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको वो वहाँ पे जाके मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे रखी है वो फाइल, डिलक्स DRS सेलेक्ट किया है तो उसको सेलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे हम, जैसे 1 क्वांटिटी आपने प्रेस की, इंटर किया, इंटर किया। अब यहाँ पे F3 करते हैं तो लिस्ट खुल जाती है, अगर आपके पास स्टॉक होता है उसको जैसे ही आप टिक करोगे, गेट सीरियल नंबर में क्लिक करोगे तो पूरा सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप फुलफिल हो जाएंगी, आपको दोबारा उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
इंटर करिए, एक बार वो वेरीफाई करेगा आपको इंटर। फिर उसके बाद आपको जितने में सेल करनी है, तो आपने जैसे ही यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखा 70,000 या 65,000 आपने डाला, तो अपने आप 65,000 में वो मेंटेन कर लेगा कि कितना बेसिक अमाउंट होगा, कितना आपका टैक्स होगा, वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको निकाल देगा। और इसको आपने सेव किया, सेव करते ही आपको प्रिंट के लिए जाता है, यस करते हैं। प्रिंट में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप इसका सेल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, जैसे कि हमने सेल सर्टिफिकेट का प्रीव्यू देखे कैसा होता है, प्रीव्यू किया हमने, यहाँ पे देखिए सारा कुछ आपका लिखा रहेगा। जो भी आपका फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में ही हम सेट करके देंगे आपको, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमें फॉर्मेट कंपनी की तरफ से मिले हैं वो हम सेट करके दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कस्टमर नेम, सेल्स सर्टिफिकेट, गाड़ी, गाड़ी का नंबर, गाड़ी की डिटेल, सोलो है, विद पिलन है, जो भी डिटेल्स हैं सारी आ गई, श्रीहर्ष मोट पावर्स की आ गई सारी डिटेल है। इसी तरह आप आते हो, अगर इसी का हमें क्या निकालना है, इनवॉइस निकालना है, तो इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो आपको इनवॉइस कॉपी आ जाएगी इसी कस्टमर की टोटल ये सारी चीज़ें आ गई, एच एस एन नंबर, वेरियंट, कलर, इंजन, चिचिस, अमाउंट, ठीक है, नीचे बेसिक अमाउंट हो गया, टैक्स आ गया, CGST, SGST और टोटल उस कस्टमर की पूरी डिटेल आ गई है। देन उसके बाद हमने नीचे उसके की नंबर्स अगर डाले होंगे तो आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाती है। इसमें आप अपने डिजिटल साइन सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हो कि आपको बार बार उसमें साइन ना करना पड़े। इसी तरह RTO कॉपी आप सेलेक्ट करोगे तो आपको RTO कॉपी का फॉर्मेट आ जाता है। आपने RTO कॉपी के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं। अब हमने दिन भर में जितने भी सेल की है, तो सेल के मेनू में क्लिक करेंगे तो हमें पूरे सेल्स के दिखा देगा कि हमारे पास टोटल हमारे 65,000 की सेल हुई है, ठीक है। इसके बाद आपने अगर पेमेंट ली किसी कस्टमर से, अगर रिसीविंग लेते हो तो क्विक रिसीव में चाहिए, इसमें क्लिक करिए। कैश है तो कैश आ जाएगा, अगर बैंक से आप चेक लेते हो उनसे तो बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। आपने बैंक का नाम सेलेक्ट किया, इंटर किया, जिस भी पार्टी से आप पेमेंट लेते हो उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, इंटर। अगर जो भी पेमेंट लेनी है आपने, मान लीजिए आपने 5,000 लिया तो 5,000 इंटर किया, चेक की डिटेल डाली, चेक यहाँ पे पहले सबसे पहले चेक नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद आपने चेक की डिटेल डाली कि 12/7 बैंक का नाम डाला आपकी, उसने कौन से बैंक का आपको चेक दिया है, फॉर एग्जांपल HDFC नाम का आपको चेक दिया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, तो इंटर किया आपने, इंटर। रिमार्क में कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो आप, सेव करें, सेव करते ही हो जाएगा। इसकी आप रिसीविंग चाहो तो यहीं से टिक करके आप इसकी रिसीविंग भी निकाल सकते हो। रिसीविंग निकालने के बाद ये रिसीविंग आपकी कस्टमाइज सेट भी हो जाती है, जैसा आप चाहते हो उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट बन के मिल जाएगा। देन उसके बाद आपकी जो बिल वाइज प्रॉफिट है, यहाँ पे रिपोर्ट है, लॉग बुक है, लेजर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग की कितनी किससे बाकी है, पेमेंट कितना आपको है, और इसमें एक क्लिक करें तो सभी कस्टमर को, सभी जिनसे आपको पेमेंट लेनी है उनको एक साथ ही SMS भी जा सकते हैं, तो आपको सभी को फ़ोन कर करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका इतना बैलेंस हो गया या इतना पेमेंट बाकी है। आप उस SMS में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा कि उनका टोटल बिल पेमेंट कितना है, वो उनको नेट पेमेंट कितनी है, वो उनको मैसेज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर सभी को सेलेक्ट करके SMS करना, तो सेलेक्ट ऑल करिए और SMS में क्लिक करिए और SMS में आप डिफाइन कर देंगे हम एक बार, तो सेंड कर दीजिए, तो सभी को अपने आप चले जाएंगे और उनके बैलेंस जाएंगे, ना कि कॉमन बैलेंस जाएंगे, जो जिस कस्टमर का बैलेंस होगा सिर्फ वही जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे और रिपोर्ट्स पे आते हैं। अगर हमें कुछ बाइक सर्च करनी है कि हमारी बाइक कब बिकी है या कि क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर रिपोर्ट में जाइए, सीरियल नंबर ट्रैकिंग में जाइए, यहाँ पे अपना बाइक का नंबर डालें और ओके करें तो सर्च हो जाएगा आपको। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको स्मार्ट सीरियल नंबर रजिस्टर चाहिए, तो आप यहाँ पे स्मार्ट सीरियल नंबर रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। स्मार्ट सीरियल नंबर रजिस्टर के टोटल सेल्स ऑफ दिस टुडे है, जैसे आपने ये आज 25 तारीख सेलेक्ट किए, ओके किया, तो आपको 25 तारीख में देखिए सारी चीज़ें आगे डिस्क्रिप्शन के साथ कि आपका चेचिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, कलर वेरिएंट, सारी चीज़ें आ गई आपके। इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी हेल्प लगेगी उसे, हमारे कस्टमर केयर के नंबर हैं, आप उन पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आपको अगर कैश बुक देखनी होगी या कि कोई भी रिपोर्ट देखनी होगी, तो उसके लिए डिस्प्ले के मेन्यू में जाना है,
डिस्प्ले के मेनू में ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आप किसी भी रिपोर्ट्स को क्लिक करिए और सिंपल हो जाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि कैश बुक में आज हमारे पास टोटल कैश कितनी आई है, या कि स्टेट बैंक में हमारे पास आज कितना पेमेंट हमें आज आई है, तो 25 आपने जैसे डेट डाली इसमें और आपने सेलेक्ट किया कि हमें टोटल कितना आया है, ओके करेंगे, तो आपको देखिए 5000 को आपको रिसीव हुई, तो 5000 आ गया। तो इस तरह से इसमें अपने आप रिपोर्ट जनरेट होती रहती है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एंट्री करते जाना है नॉर्मली। अगर मान लीजिए यही पेमेंट कैश आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक में एंट्री में क्लिक करोगे और इंटर करोगे, यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे जिस बैंक में आपने कैश पेमेंट जमा करनी है, स्टेट बैंक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंटर किया, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कैश जमा करते हो तो कैश सेलेक्ट किया, इंटर किया, जितना भी आप कैश जमा करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 आप जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे 50,000 डाला आपने और इंटर इंटर सेव कर दिया। तो ऐसा करने से ही आपके कैश बुक में से कैश जो है वो कम हो जाएगी और बैंक में उतना 50,000 का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर बैंक में RTGS या NEFT ट्रांसफ़र करते हैं किसी का, तो यहाँ पे हमने अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया बैंक से किसको, जहाँ से हमने माल परचेस किया है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हर्ष मोटर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कि कितना हमें करना है, जैसे 70,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं, 70,000 हमने लिखा, एक्सपेंस कितना लग रहा है, मान लीजिए आपका टोटल एक्सपेंस लग रहा है इसमें, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप पेमेंट एडजस्टमेंट भी हो जाता है, कंटिन्यू में क्लिक करिए, आपको 70,000 हो गए, यहाँ पे एक्सपेंस में कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना नहीं लिखिए, सेव में क्लिक करिए, तो आपको ये एडजस्ट हो जाएंगी सारी पेमेंट। अब देन उसी तरह से आपको लेजर निकालना है किसी का कि टोटल बैलेंस कितना है, तो आप लॉग बुक में जाइए, यहाँ पे लॉग बुक में क्लिक करिए, लॉग बुक में क्लिक करने के बाद आपने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, इंटर किया आपने, इंटर, और यहाँ पे जब से जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि 1/6/17 से आपको टोटल देखना है लेजर, तो आपने 1/6/2017 डाली, आपको टोटल दिखा दिया कि आपने 70,000 पेमेंट कर दी, 211,000 रुपये बाकी हैं। इस और इसका प्रिंट भी क्लिक करना हो तो प्रिंट दे सकते हैं। अब इसमें हमने मान लीजिए आपको शॉप के कुछ खर्चे की एंट्री करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है क्विक पेमेंट के मेनू में। क्विक पेमेंट में जाने के बाद इंटर करेंगे, आप अगर कैश देते हो तो कैश सेलेक्ट करोगे और अगर चेक देते हो तो बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हम कैश सेलेक्ट करते हैं, कैश सेलेक्ट किया हमने, इंटर किया, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस लिखा अपन ने, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, या कि टेलीफोन लिखे हैं तो टेलीफोन एक्सपेंस बने हुए हैं, या कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस है जैसे पेट्रोल वगैरह फ्यूल एक्सपेंस होते हैं तो वो हैं, तो आप बने हुए हैं, नया बनाना हो तो F3 करके आप बना भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मिसलेनियस बनाना चाहते हो, या कि कुछ शॉप एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आपने शॉप एक्सपेंस लिखा, यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखेंगे, एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे, ओके। अब यहाँ पास हमारे शॉप एक्सपेंस आने लगा है, शॉप एक्सपेंस में क्लिक करेंगे, जितना भी आपने पेमेंट करनी है, जैसे मान लीजिए 600 रुपीज़ आपने डाला, इंटर किया, इंटर, यहाँ पे कुछ रिमार्क में लिखना होगा कि किस लिए किया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि आपने पुताई के लिए, साफ सफाई के लिए किसी को दिए हैं, कुछ भी चीज़ लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो रिमार्क में, इंटर करेंगे, सेव कर देंगे। इसी तरह अगर आपने टेलीफोन एक्सपेंस दिया तो टेलीफोन की आप रख सकते हैं यहाँ पे, टेलीफोन एक्सपेंस 750 रुपीज़, ठीक है, मंथली रेंटर, ये कि मंथ ऑफ यहाँ पे डाल दिया, सेव कर दिया। तो इस तरह से सारी एंट्री आप कर सकते हो और आपको ये पूरा प्रॉफिट की महीने में कितना आपका बचा है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट एक बनती है, यहाँ पे आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपको नेट प्रॉफिट क्या बना। तो आपने देखिए अभी लेबर इनकम आपने अलग अलग अकाउंट में अपने फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज सभी में आपने डाले हैं, तो इस तरह से आपका टोटल बैलेंस कि कितना आपके पास नेट प्रॉफिट है वो आपको दिखा देता है कि आपके पास नेट प्रॉफिट ये है। अब इनने सिर्फ परचेज सेल की एंट्री की, इसलिए इस तरह से इनकी बैलेंस शीट बनी हुई, ठीक है। इसी तरह हम बाकी रिपोर्ट्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, बिल वाइज लॉग बुक में आपको अलग अलग लेजर मिल जाते हैं, आपके बैलेंसेस मिल जाते हैं। एंट्री में हमने फाइनेंशियल एंट्री के ऑप्शन रखे हैं, जैसे काउंटर एंट्री हो गई, परचेज रिटर्न हो गए, परचेज चलान हो गए,
आपने किसी को डेबिट नोट करना है तो यहाँ से एंट्री कर सकते हो, अगर आपको स्कीम आती है या अमाउंट वाइज आती है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो इनकी अलग अलग और ट्रेनिंग है जो हम आपको देंगे। यहाँ पे यूजर्स के लिए यूजर प्रोफाइल बनाने के भी ऑप्शन है, जैसे आप किसी यूजर को क्या राइट देना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। जिस चीज़ पर आप टिक लगाओगे वो चीज़ होगी, जिस पे से टिक नहीं लगाओगे वो चीज़ नहीं होगी उस यूजर के लिए। इस तरह से बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप इसको यूज़ करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे डेटा हाउस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए। आपको डेफिनेटली इससे सॉफ्टवेयर चलाने के बाद ऐसा एहसास होगा कि आपने एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, जिसकी सर्विस अच्छी है, जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, जिसमें फ़ीचर्स अच्छे हैं। आप इसमें सॉफ्टवेयर में हमने और भी अच्छे फीचर्स रखे हैं, जैसे कि आपके GST की रिपोर्ट्स हैं, GST की रिपोर्ट ईजिली आपको यहाँ से मिल जाती हैं, GST रिपोर्ट, GSTR1, GSTR2, अलग अलग जितने भी तरह के रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर हमने एक टाइमलाइन का भी फंक्शन रखा है। टाइमलाइन का क्या फंक्शन है कि कौन सा बिल आपने कब खोला, कब उसको चेंजेस किया, कब परचेस किया उसमें, तो सारे ऑप्शन आपको दिखाता है कि आज आपने 25/7 को इन इन बिलों पे आपने वर्क किया और दिन भर में ये काम हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाए या कि आपको पता ही नहीं चले कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, SMS कनेक्टिविटी है, मेल कनेक्टिविटी है, क्लाउड डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ठीक है, और कुछ बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। जैसे कि एक सबसे अच्छी रिपोर्ट होती है जो सेल समरी में, मंथली सेल समरी, आपकी कंपनी वाइज मंथली सेल समरी और ग्रुप वाइज मंथली सेल समरी। तो जैसे कंपनी वाइज मंथली सेल्स देखते हैं तो इसमें हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिल जाता है हमारे बिजनेस के लिए कि किस महीने हमारी कितनी ज़्यादा सेल हो रही है। जैसे देखिए, अभी इनकी सेल्स पहले अप्रैल मंथ में नॉर्मल इनकी लगभग 1.5 लाख थी, फिर उनने बढ़ती घटती गई घटती गई, फिर धीरे धीरे अब जुलाई में बिल्कुल ही कम हो गई। तो इस तरह से ये हमें पता चल जाता है कि किस महीने हमारे किस तरह का बिजनेस होना है, किस महीने हमारे क्या चल रहा है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी या उस हिसाब से अपने प्रमोशंस कर सकते हैं। तो आपको ये सॉफ्टवेयर सिर्फ बिलिंग या अकाउंटिंग के पर्पज़ से बस नहीं, आपके बिजनेस को भी ग्रोथ देने वाला सॉफ्टवेयर है, आपको हाईटेक करने के लिए है। हमारा प्रयास यह है कि फुल्ली डिजिटल हो जाएं आप, कोई भी चीज़ के लिए आपको पेपर पेन की ज़रूरत ना पड़े, जैसे चेक प्रिंटिंग करना है तो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो, आपको मेल भेजने हैं या कि बिल की कॉपी आपको भेजनी है तो उसको प्रिंट निकाल के स्कैन करने की जरूरत नहीं है, बिल को ही बिल में ही सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मेल में क्लिक करें तो मेल हो जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ आपको करना नहीं, सिंपल आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और अपने टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर इसमें कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए या कि कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेक्निकल सपोर्ट नंबर ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो के लिंक्स या कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो हमने पहले वीडियो में मेंशन किया हुआ है, मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक बार हम देख लें कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके लिए आप बस जाएंगे गूगल पे www.datahousetechnology.com लिखना है, आपको सबसे पहले ये पेज खुलता है। इस पेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट डाउनलोड करना है। सपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, डाउनलोड में क्लिक करेंगे, यह डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हमने ये डाउनलोड में क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड अपने आप डाउनलोड होना चालू हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें जिस तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, जैसे हमें अगर पतंजलि आरोग्य केंद्र के लिए डाउनलोड करना है तो पतंजलि आरोग्य केंद्र के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे। अगर हमें नॉर्मली स्पीड प्लस डाउनलोड करना है तो हम स्पीड प्लस में क्लिक करेंगे। तो जिस तरह का हमें सॉफ्टवेयर क्लिक करना होता है उस तरह के सॉफ्टवेयर में क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसमें कि स्पीड प्लस में हमें डाउनलोड करना है, तो हमने स्पीड प्लस के डाउनलोड में क्लिक किया। स्पीड प्लस में डाउनलोड में क्लिक करते ही हमें एक बॉक्स आता है, उसमें हम अपने मोबाइल नंबर्स डाल के एंट्री कर देंगे कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर्स की एंट्री कर दी और इसमें हम डाउनलोड में क्लिक कर देंगे। और इसमें हमें क्या क्या लगता है, ये इसमें हमें एक टीम व्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हमें टेक्निकल सपोर्ट मिले। इसके अलावा आपको क्रिस्टल रिपोर्ट भी लगेगी आपको बिल फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए, तो आप क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर सेटअप है तो मैं नहीं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है,
और वीडियो आपको, मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है। आप हमें, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप हमें लिख सकते हैं कि हम और कैसे आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड कर सकें, कैसे आपके लिए और अच्छा वर्क कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।